एक अंग्रेज था यूके का, उसने जब ये वाक्या पढ़ा कुरान करीम में कि तख्ते बिल्कीस जो है वो पलक झपकने में लाया गया, एक पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस आ गया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, अगर बाई एयर लाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, बाई सी लाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, बाई रोड लेकर आएंगे तो इतना टाइम तो लगना ही चाहिए, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के जरिए भी अगर कोई लेकर आता है तो वो भी इतना टाइम लगेगा, इतना बड़ा तख्त एक पलक झपकने में कैसे आ सकता है। बड़ी रिसर्च की। अच्छा, गोरे की ये तो आदत है ना कि वो रिसर्च करता है, तहकीक करता है। हम तो रिसर्च और तहकीक और इन चीज़ों इस लफ्ज़ से ही दूर भागते हैं कि क्या है, कभी कोई आर्टिकल पढ़ना पड़ जाए अली भाई तो लगता है कि दिमाग जो है वो कैसा खुश्क मजमून मिल गया। अब रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए और किताबें खंगालने के लिए तो उसने बड़ी रिसर्च की, उसको जवाब नहीं मिला। कुछ वहाँ के उलमा से उसने पूछा तो उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, यहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े उलमा हैं, मशाइख हैं, आप जाएँ आपको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान आ गया तो यहाँ जो जमात उसको लेकर आई पाकिस्तान, वो कभी यहाँ लेकर जाए कभी वहाँ लेकर जाए, उलमा बताएं कि भाई ये करामत है, अगर वली से सरजद हो तो वो करामत है, नबी से ऐसा वाक़या मुहय्यरुल उक़ूल कोई वाक़या सरजद हो तो वो मौजज़ा कहलाता है। उन्होंने उनको कायल करने की बताने की कोशिश की लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो लाहौर में था तो उन्होंने कहा भाई एक काम क्यों नहीं करते, चलो तुम आए हो पाकिस्तान तो तुम्हें लाहौर घुमा दें। चले जी। अब जब चले तो उन्होंने बताया कि ये मीनार पाकिस्तान है, ये बादशाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये फलां चीज़ है, ये अनारकली बाज़ार है। घुमाते घुमाते जैसे ही वो हजरत गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा, जैसे ही उनकी गाड़ी वहाँ से गुजरी उसने कहा भाई गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, भाई क्या है ये, गाड़ी रोकी, बोला क्या हुआ, बोला ये क्या है, ये इधर क्या है, बोला कुछ नहीं है, छोड़ा ये तो ऐसे ही है। उसने कहा नहीं गाड़ी रोको यहीं पे, मुझे तो यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने इससे पहले नहीं सूंघी थी, मुझे लेकर चलो यहाँ, चलो। उन्होंने कहा चलो भाई अब मेहमान है तो चलो, इसको ले गए भाई अंदर। अंदर लेकर गए जब उसको, तो जैसे ही अंदर लेकर गए क्या देखते हैं, सामने एक बाबा खड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथ में जो है वो केतली है और दूसरे हाथ में कप है। कहा चाय पियोगे, कहा यस। गोरे ने जब वो चाय का कप हाथ में पकड़ा तो वहीं गिरा और बेहोश हो गया, वहीं गिरा और भगदड़ मच गई भाई, पानी वानी लाया उसको डाला गया, छुड़े हुआ क्या ही, अचानक से गिरा और बेहोश हो गया। होश आया तो कहा वो बंदा कहाँ है जिसने चाय सर्व की थी, बंदा देखा तो बंदा नहीं है कोई, बोला हुआ क्या, कहा ये ना पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, बोला हुआ क्या बताओगे भी। उसने कहा कि जिस जवाब की तलाश में मैं यहाँ तक आया था और बड़े बड़े उलमा मशाइख से तुमने मिलवाया, जवाब नहीं मिला मुझे, तसल्ली नहीं हुई, वो जवाब मुझे यहाँ पे मिल गया। सुभान अल्लाह। ने कहा वो कैसे, कहने लगे वो ऐसे कि ये जो कप मेरे हाथ में तुम्हें नजर आ रहा है कॉफी का, ये वो है कि जिसे मैं पकड़कर अपने बेडरूम में बैठकर जिस कप में मैं कॉफी पिया करता था वही कप उसमें मुझे इन्होंने चाय पेश की, उसी कप में इन्होंने मुझे चाय पेश की और मुझे जवाब दे दिया कि जैसे तुम्हारे बेडरूम से ये कप यहाँ पर आया है ना, ऐसे ही तख्ते बिल्कीस वहां से यहाँ पहुंचा था।